सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई क्या है, तो एपीआई मतलब कैसे वर्क करती है और कैसे काम करती है, तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। और देखेंगे इस एपीआई के थ्रू बेसिक्स लेकर एडवांस तक की जितनी भी कमांड है लाइनक्स की, हम एपीआई के थ्रू वर्क करेंगे, वो भी टर्मक्स इम्यूलेटर पर। तो देन ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी फ्रेंड। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस पे अलाउ कर दें, तब जब हम वीडियो डालें तब सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एपीआई। एपीआई है क्या, तो एपीआई की फुल फॉर्म से ही पता पड़ता है, एपीआई की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ऐसी एपीआई है जो मतलब एक एप्लीकेशन को मैनेज करती है। जैसे मैनेज करने, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल पर जाते हैं, आप उसे जो होता है वेटर होता है उससे जाके हम मेनू कार्ड करते हैं कि आपको ये चीज़ लानी है, बर्गर लाना है, डोसा लाना है, पिज्ज़ा लाना है, तो वो सब नोट कर लेता है और जाता है उसमें जाता है सेम और जाता है और चीज़ें आपको लेके हाँ रख देता है ला के टेबल पर। तो वो सेम वो वेटर क्या कर रहा है, एक एपीआई का वर्क कर रहा है, वो एक एपीआई है। तो सेम यही काम करती है एपीआई, वो भी एप्लीकेशन में। आप मान ली वेबसाइट पर जाते हैं, कोई डेटा सर्च करते हैं, जैसे ही आप मान लो कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो एपीआई करते हैं, उस डेटा को सर्च करके आपको शो करा देता है, सामने सर्च करते दिखा देता है आपने जो भी डेटा सर्च किया है। मान लीजिए मैं एपीआई के बारे में जानकारी लेनी चाहती हूँ तो वेबसाइट में टाइप करूँगा और एपीआई के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, तो वो एपीआई के थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं। एपीआई एक फ्री एपीआई भी होती है जो हम डेटा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और एक एपीआई जो होती है एडवांस जो एप्लीकेशन में हम एपीआई लगाते हैं, एपीआई के थ्रू वर्क करती हैं। तो फ्रेंड यही है वर्क, इसका बेस यही है, इसका मतलब यही है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब आपको एपीआई को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी, तो जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड। वो मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी है, आप जाके हमारे यूनिक एजुकेशन चैनल प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ जाके प्ले स्टोर में टर्मक्स हैकिंग के थ्रू वो वीडियो प्ले लिस्ट देख लें, उसमें हैव टू इंस्टॉल टर्मक्स एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करके बताइए फ्रेंड। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, वो नहीं बताना मैं आज मैं टर्मक्स एपीआई के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो मैंने शुरू करते हैं, तो आपको एपीआई जो टर्मक्स की एपीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी होगी, वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से एपीआई की टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें तभी। और फ्रेंड अगर कोई भी इसमें परमिशन प्रॉब्लम आ रही है तो हमने वो भी वीडियो पहले ऑलरेडी बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जब भी दिक्कत आई। तो शुरू करते हैं एपीआई, टर्मक्स एपीआई है क्या, वो तो हमने एपीआई है क्या वो तो हमने बता दिया आपको। तो अब शुरू करते हैं टर्मक्स एपीआई कैसे इसे पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो हम कमांड लिखेंगे पीकेजी, पहले हम टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से एप्लीकेशन हमारी वर्क कर सके। तो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ये कमांड आपको लिखनी है और हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी वर्क करने के लिए, रेडी होगी अपडेट और अपग्रेड होगी। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको पैकेज इंस्टॉल करना है टर्मक्स एपीआई, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे पीकेजी इंस्टॉल टर्मक्स लिखना और हाइफन एपीआई ये लिख देना, और ये कमांड आपको लिखने के बाद आपकी जो एपीआई टर्मक्स एपीआई है वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो गया, मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आप जैसे ही कमांड लिखेंगे तो बाई परमिशन मांगेंगे बाई दे देना और यस कर देना है और आपकी जो टर्म एपीआई है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए अब आपको अपनी जो टर्मक्स एप्लीकेशन में बैटरी स्टेटस आपको चेक करना है, तो कैसे करेंगे तो बैटरी स्टेटस तो आपको क्या करना है, कमांड लिखनी होगी टर्मक्स हाइफन बैटरी स्टेटस, ये आपको कमांड लिखनी है। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो आपकी जो बैटरी स्टेटस को दिखा देगा,
देखिए दिखा दी, हेल्थ है गुड है, परसेंटेज 56 है, प्लग्ड अनप्लग्ड है, स्टेटस है डिस्चार्जिंग है, टेम्परेचर 39 है और करंट 2444 00 ये है। इसमें डेटा शो करा दी इसने बैटरी स्टेटस का। अब मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, आप सीखे बैटरी स्टेटस कैसे चेक करना है। ट्रमेस के थ्रू चेक कर ली, अब हम चेक करेंगे कि अपनी जो ब्राइटनेस है, अपनी मोबाइल की जो ब्राइटनेस है, हम इसको कैसे कम या बढ़ती कर सकते हैं वो टर्मस के द्वारा। ये आपको सैंपल दिखाया जा रहा है, हैकिंग के थ्रू बेसिक कमांड बताए जा रहे हैं एपीआई के थ्रू। आगे आप जैसे ही टर्मस एप्लीकेशन सीखते जाएंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा। हम वीडियो बना लाते रहेंगे, आप इसे देखते रहें। तो आपको मान लीजिए ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है और कम करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ टर्मस, टर्मस लिखना है, टर्मस हाइफन ब्राइटनेस, ये आप कमांड लिखनी है। अब मान लो आपको अपनी जो पे ज़ीरो करनी है, तो आप मान लो ज़ीरो लिख देंगे, आपकी जो ब्राइटनेस है कम हो जाएगी, देखिए बिल्कुल ही स्लो होगी। अब इसे ब्राइटनेस को बढ़ाना है, टर्मक्स लिखना है, टर्मक्स मैं टर्मक्स लिखूँगा और ब्राइटनेस सॉरी ब्राइटनेस 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 करूँगा और मैं कर देता हूँ 250 कर देता हूँ। अब मैं टर्मक्स की ब्राइटनेस देखो बढ़ गई, कितनी थी कम दिख रही थी, फुल हो गई, ठीक है। अब मैं टर्मक्स ब्राइटनेस मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ, मीडियम में रखता हूँ, टर्मक्स ब्राइटनेस ब्राइटनेस 100 कर देता हूँ, मान ली मीडियम रखता हूँ जिससे आँखों रोशनी पर फ़र्क ना पड़े। तो देखिए मैं हमने सीखा टर्मक्स की ब्राइटनेस कम और बढ़ती कैसे करते हैं, आप वो इसके थ्रू कर सकते हैं। अब अगर इसको ऑटो करना है तो आप कैसे करना है, टर्मक्स ब्राइटनेस ऑटो लिखेंगे, ओ ए ओ ए यू टी ओ ऑटो करेंगे टर्मक्स की ब्राइटनेस को, तो ऐसे कर सकते हैं, ऑटो हो गई टर्मक्स की। मैं इसकी ब्राइटनेस उतनी कर देता हूँ, टर्मक्स ब्राइटनेस 100 रख देता हूँ, मीडियम रहेगी, ठीक होगी उतनी। अब इस तरीके से आपने कर लिया। अब मान लीजिए आपको अपने कैमरे की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको कैमरे की इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करनी होगी, अपने टर्मक्स के थ्रू कैमरे की इन्फॉर्मेशन चेक करना है। जैसे हैकिंग करते ना तो आप टर्मक्स इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे, कमांड आपको लिखनी है, टर्मक्स टर्मक्स कैमरा कैमरा हाइफन इन्फो कैमरा इन्फो। आप ये ऐसी कमांड लिखेंगे तो आपको जो कैमरा की इन्फॉर्मेशन ये दिखा देगा आपके कैमरे की। देखिए अब इसने बहुत सारे कैमरे की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, कुछ डेटा है, कंटेंट दिखा रहा है, शो कर रहा है। देखिए फेसिंग बैक इसका दिया है, आउटपुट दिया है, फेसिंग बैक इसका वेथ दी है, इसकी हाइट साइज वेथ बर्थ दी है, हाइट दी है और नेक्स्ट बैकग्राउंड का जो मैनुअल सेंसर वो दिखा रहा है, फेसिंग दिखा रहा है, फ्रंट का सामने का जो हम क्लिक करते हैं फ़ोटो पे वो दिखा रहा है। तो आपने देखा कैसे टर्मक्स की कैमरा इन्फो टर्मक्स के थ्रू कैसे कैमरा की इन्फॉर्मेशन हमने देखी चेक करी, तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब चेक करेंगे हम टर्मक्स ये कैमरा जो फ़ोटो कैमरा मतलब आपको कोई फ़ोटो देखना है तो उसकी तो परमिशन अलाउ करनी होती है इसे। अब देखते हैं हम टर्मक्स जो जो क्लिपबोर्ड होते हैं उसके हम चेक करेंगे, टर्मक्स से क्लिपबोर्ड को लेंगे हम, टर्मक्स क्लिपबोर्ड उसको कैसे करते हैं, तो टर्मक्स लिखना है आपको, टर्मक्स और हाइफन क्लिपबोर्ड लिखना है, क्लिप बोर्ड और हाइफन गेट ये लिखेंगे जैसी कमांड, और आपके पास ये क्लिपबोर्ड ये आपको देखिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप मतलब क्लिपबोर्ड किसी का नाम आप ले सकते हैं इस कमांड की वजह से मदद से आप देख सकते हैं। तो आपको अब मैं ये लिख देता हूँ यूनिक, कोई नाम लिख देता हूँ यूनिक, इतना नाम दिए वर्क नहीं कर रही, फिर से मैं लेता हूँ ये टर्मक्स, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब मैं लिखता हूँ टर्मक्स टर्मक्स आईफन क्लिप
क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड लेना और हाइफन सेट, सॉरी गेट करना है, मैंने नाम सेट करना है, मान ली सेट सेट कर देता हूँ, कोई नाम सेट करना है। अब मैं ये नाम लिख देता हूँ, कोई नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यूनिक, यूनिक एडुकेशन, ये नाम लिख दूंगा, लिख दिए मैंने। अब मैं इसे हाई बैक जाना है, अब मैं इसे लिखूँ टर्मैक्स, टर्मैक्स ये लिख दूंगा, टर्मैक्स क्लिपबोर्ड और गेट, सॉरी क्लिपबोर्ड लिखना है, क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड लिखेंगे जैसे ही आप, और हाइफन गेट करेंगे। देखिए यूनिक एजुकेशन हमने जो नाम लिखा था वो हमने ले लिया, इसने सेट किया था वो उसने ले लिया। इस तरीके से आप किसी भी नाम को सेट करके और क्लिप बोर्ड के द्वारा उस नाम को ले सकते हैं जो कंटेंट हमने लिखा। अब मान ली मुझे टर्मैक्स में डायलॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स से ओपन करना है और उसमें कुछ कंटेंट लिख के दिखाना है आपको, जैसे हम विंडो में नोटपैड में लिखते हैं उस तरीके से, और सेव कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें करेंगे, डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करते हैं उसमें दिखाते हैं आपको, टेस्ट करके दिखाते हैं। तो आपको टर्मैक्स लिखना है, टर्मैक्स, टर्मैक्स हाइफन डायलॉग, डायलॉग ही लिखना है और आपको डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। देखिए आ गया, मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, इधर लिख दिया। देखिए उसने ये दिखा दी कोड वन हेलो गाइस टेक्स्ट इंप्लीमेंट करके दिखा दिया डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट फिर मैं टर्मैक्स टी, टर्मैक्स ये हेलो दिखाने सकता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट लेने चाहता हूँ हेलो, तो आप मैं लिखता हूँ टर्मैक्स हाइफन डायलॉग, फिर डायलॉग वो करना है, डायलॉग बॉक्स खोलना है, डायलॉग, डायलॉग हाइफन हाइफन टी लिख देना है हेलो, मान लीजिए हेलो ही लिख देता हूँ बस। देखिए हेलो फोल्डर खुल गया है हमारे, टी इस नाम से हेलो फोल्डर। टर्म डायलॉग बॉक्स ऐसे लिखेंगे, आप टी हेलो करेंगे, आप कोई भी नाम ले सकते हैं आप इस तरीके से, और इसमें आप कुछ भी लिख दें, वेलकम, वेलकम टू इंडिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कोड में टैक्स हो गया, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फोल्डर क्रिएट का हो गया। ये डायलॉग बॉक्स हाइफन करेंगे और डायलॉग लिखना है, डायलॉग, डायलॉग वो वाला डायलॉग नहीं, इससे फोल्डर क्रिएट होता है। तो मैं लिखता हूँ इंडिया, इंडिया नाम से जहाँ इंडिया नाम लिख के आए ये करता हूँ, देखिए इंडिया नाम लिख के आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड, मैंने कुछ कंटेंट नहीं दिया, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको टर्मैक्स डाउनलोड करना है, मान ली टर्मैक्स को डाउनलोड करना है, तो आपको कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स, टर्मैक्स हाइफन डाउन लोड, टर्मैक्स डाउनलोड होगा google.com से डाउनलोड, ये लिखना है और स्पेस देना https, ये लिखना है और कॉलन, कॉलन ये लिखना है गूगल, google.com ये आपको लिख देना है, टाइप कर देना है, एंटर करना है। और देखिए ये कुछ डाउनलोड होने लगी, आप इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमने देखा कैसे टर्मैक्स को डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट। अब हम चेक करते हैं कैसे आप अपने जो फिंगरप्रिंट हैं, आप जैसे फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी लगाते हैं उसके द्वारा आप कैसे टर्मैक्स के द्वारा उसे इनेबल करेंगे, तो उसे देते हैं अलाउ करके। तो चेक करते हैं इस कमांड को लिखने के लिए, फिंगरप्रिंट अलाउ करने के लिए, फिंगरप्रिंट अलाउ करने के लिए कैसे टर्म वो कमांड लिखते हैं, तो लिखते हैं कमांड है टर्मैक्स
हाइफन फिंगरप्रिंट, फिंगर फिंगरप्रिंट, ये ट्रमैक्स हाइफन फिंगरप्रिंट, जैसे ही कमांड लिखेंगे और आपको देखिए सामने एक मैसेज दिखेगा, एंटर करता हूँ, देखिए ऑथेंटिकेशन, फिंगर का मांग रहा है, जैसे मैं फिंगर इसे स्कैन कर दूंगा ये अलाउ कर देगा, लेकिन मैंने अलाउ नहीं करना है, ये आपको सिखाने के लिए कर रहा था, फिर भी आप हैकिंग ऐसी तरीक़े से आप सीखेंगे, आप मिसयूज ना करें, ये आपको एजुकेशन पर्पज़ के सिखा रहे हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट है, अब आपको चेक करना है, मान लीजिए आप अपनी लोकेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको लिखना है, कमांड लिखनी होगी, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, तो आपको कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स, टर्मैक्स हाइफन लोकेशन, जी आप लोकेशन जैसे ही करेंगे और आपको हाइफन पी जी पी एस ये टाइप करना है और एंटर कर देना, देखिए आपकी लोकेशन को ट्रेस करें, लोकेशन को स्पीड प्रोसेसिंग चलिए, स्पीड प्रोसेसिंग चलिए, प्रोसेसिंग जल्दी, तो आप इससे कर सकते हैं, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हम करेंगे, अब मान लीजिए हमें एसडी कार्ड को परमिशन देनी है, हमें एसडी कार्ड में देखना है हमारी जो स्टोरेज है उसमें मतलब क्या क्या चीज़ है, हमारे जो स्टोरेज में क्या क्या है, तो उसे कैसे देखेंगे, तो उस कमांड को कैसे आप उसे अलाउ करेंगे स्टोरेज में, कैसे देख सकते हैं अपने स्टोरेज को, तो चेक करते हैं, तो आपको सीडी कमांड से मतलब होता है, सीडी का मतलब होता है उस कमांड मतलब उस डायरेक्टरी में जाना और उस डेटा को देखना, सीडी कमांड से किसी डायरेक्टरी को ओपन करना, ये सीडी का मतलब होता है। अब मैं स्लैश कर लूँगा और मैं एसडी कार्ड, हमारे एसडी कार्ड में क्या क्या कंटेंट है वो चेक करेंगे, तो एसडी कार्ड जैसे ही आप लिखेंगे और मैं ऐसे करता हूँ, एसडी कार्ड आ गया, अब मैं एलएस से क्या, एलएस का मतलब होता है एसडी कार्ड में क्या क्या चीज़ है, हमारी डायरेक्टरी में मतलब क्या क्या चीज़ है, तो एलएस करूँगा, देखिए ये सारा कंटेंट शो कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ है मेरे में, अब मान लीजिए मुझे कोई भी चीज़ इसमें मतलब ओपन करके दिखानी, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कान मास्टर मेरे एक सॉफ्टवेयर है, कान मास्टर जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, मैं चलो कान मास्टर में देखता हूँ मेरे क्या क्या चीज़ है, सी डी कमांड लिखनी है काइन मास्टर, तो सी डी काइन मास्टर, काइन मास्टर जैसे ही लिखें काइन मास्टर, जैसे ही काइन मास्टर आपको लिखना है और आपको स्लैश करेंगे और आप ये करेंगे काइन मास्टर मांगे, अब आपको जैसे ही एल एस करेंगे अब वो दिखा दे काइन मास्टर में मतलब क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कंटेंट है, देखो कैप्चर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट वीडियो करी हैं वो एक्सपोर्ट हैं, इसमें प्रोजेक्ट हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, ये शो कर रहा है फ्रेंड, इस तरीके से आप देख सकते हैं कान मास्टर के थ्रू, तो उसे मैं बैक कर देता हूँ, बैक करता हूँ, सीडी करेंगे और टीटा साइन करेंगे, हम बैक चले जाएंगे, अब एलएस करेंगे, देखिए कोई चीज़ नहीं, अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, हमारी डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए मुझे टर्मैक्स मीडिया प्लेयर प्ले करना है, तो मैं कैसे करूँगा मीडिया प्लेयर, पहले तो एसडी कार्ड सीडी कमांड लिखनी होगी हमें, फिर हम कर पाएंगे, एसडी कार्ड कार्ड एलएस किया, मुझे करना है टर्मैक्स हाइफन मीडिया, जी आप जैसे लिखेंगे और प्लेयर, जैसे ही आप प्लेयर करेंगे आप प्ले करना है, एंटर कर देना, देखिए नो प्रीवियस ट्रैक रिज्यूम फाइल, आपको पहले फाइल पेस्ट करनी होगी, कोई भी फाइल पेस्ट कर सकते हैं और वो बोलने लग जाएगी फ्रेंड, और फिर उसे आप स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस कमांड लिखने टर्मैक्स, टर्मैक्स हाइफन मीडिया, सॉरी मीडिया मीडिया प्लेयर स्टॉप,
अब इस कमांड से स्टॉप कर सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से आप स्टॉप कर देंगे। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड, क्लियर क्लियर कर दिया। अब मुझे देखना है टर्मैक्स, हमें एसटी कार्ड को स्कैन करना है टर्मैक्स के थ्रू। हमें एसटी कार्ड स्कैन करते हैं, फिर आपको स्कैन करने के लिए कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स हाइफन मीडिया, टर्मैक्स हाइफन मीडिया स्कैन, इस तरह का स्कैन लिखना और स्पेस देना और स्लैश एसडी कार्ड ये कर देना है। अब ये जैसे ही आप लिखेंगे हमारा जो मीडिया है वो स्कैन करेगा एसडी हमारी स्टोरेज को। देखिए एक फाइल इसने स्कैन की, एक फाइल है स्कैन जिसने मैंने चेक की, स्कैन की इसने। अब मान ली मैं रिवर्स इस एसडी कार्ड को रिवर्स जो स्टोरेज है उसे रिवर्स देखना है मुझे, मतलब क्या क्या, तो मैं कमांड लिखना है टर्मैक्स हाइफन मीडिया हाइफन स्कैन, सॉरी स्कैन आप लिखना है स्कैन और हाइफन आर स्लैश एच डी कार्ड। ऐसे ही आप ये लिखेंगे आपकी जो रिवर्स जो लिस्ट है तो चेक दिखा देगा। नेक्स्ट देख कर दें, अभी स्कैन करना शुरू हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए स्कैन कर ली हमारी फाइल, कितनी फाइल है 1905 1954, इतनी हमारी ये फाइल्स इसने स्कैन कर दी, मतलब इतनी फाइल है हमारी एसडी कार्ड में रिवर्स लिस्ट में इसने चेक करी। ऐसे क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड। अब नेक्स्ट है हम देखते हैं टर्मैक्स को स्कैन करके हम उसे रिवर्स एच डी कार्ड को दिखाएंगे, मतलब कितनी फाइल शो कराएंगे पूरी लिस्ट में इसमें। तो कैसे इस कमांड, उस कमांड कैसे लिखेंगे तो देख रहे हैं टर्मैक्स हाइफन मीडिया हाइफन स्कैन, स्कैन करेंगे स्कैन हाइफन बी हाइफन आर वर्टिकली और रो, ये दोनों देख रहे हैं हमें, और फिर स्पेस देने और स्लैश एसडी कार्ड में मतलब क्या क्या है इसमें रिवर्स और लिस्ट सब कुछ देखना चाहते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए हमारी ये इतनी सारे दिखा रहा है प्रोजेक्ट है, सारी फाइल उसने दिखा दी, देखिए रिवर्स करके इसने इस सब कुछ रिसोर्स ने यहाँ दिखा दिए, इतने सारे शो करा दी सब। देखिए डेटा शो हो रहे हैं 1924 फाइल्स इसने स्कैनिंग कर ली फ्रेंड। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने मोबाइल की, वो भी टर्मैक्स के थ्रू। क्लियर कर दिया हम। अब मान लीजिए हमें टर्मैक्स के थ्रू नोटिफिकेशन अलाउ करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, तो मान लीजिए कैसे भेजेंगे, तो आप टर्मैक्स नोटिफिकेशन भेजेंगे, जैसे हम हमारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है हम देखते हैं अपनी नोटिफिकेशन द्वारा, तो हम इसमें देखेंगे टर्मैक्स के नोटिफिकेशन द्वारा हम कैसे इसे इनेबल करेंगे। तो से कमांड लिखनी है आपको टर्मैक्स हाइफन नोटिफिकेशन, ये कमांड लिखेंगे आप एंटर करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन आया होगा, देखो ये आ गया नोटिफिकेशन है टर्मैक्स API। इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड, अलाउ कर सकते। अब इसे मैं रिमूव करना है टर्मैक्स नोटिफिकेशन को, टर्मैक्स हाइफन नोटिफिकेशन हाइफन रिमूव, वन नोटिफिकेशन भेजा था हमने, एक ही तो भेजा था, इसे रिमूव कर देंगे, हो गया रिमूव। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको टर्मैक्स का सेंसर चेक करना है, अपने टर्मैक्स का सेंसर चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको एक कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स हाइफन सेंसर
जैसे ही कमांड लिखेंगे टर्मैक्स हाइफन सेंसर सेंसर इंटर करेंगे, ये देखिए आप उसने शो करा दिए सारे, मतलब क्या क्या है इन्फॉर्मेशन और टाइप सेंसर, इसमें सभी डेटा शो करा दिए सर। ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ, सॉरी क्लियर, प्लस करके देखता हूँ, कुछ नहीं क्लियर। तो आपने देखा कैसे हम प्लस करते हैं। मैं सीडी कमांड लूँगा, टीडा साइन देखता हूँ कुछ है, टीडा साइन एलएस कुछ नहीं है अभी डायरेक्टरी में, क्लियर। अब हमने देखना है टर्मैक्स जो स्टोरेज है हमारा, जो टर्मैक्स अपने हमारे जो मोबाइल में स्टोरेज है उसे हम टेस्ट करेंगे हमारे स्टोरेज में, मतलब क्या है, टेस्ट करके देखते हैं अपने स्टोरेज को। टर्मैक्स कमांड लिखनी होगी, अब स्टोरेज टेस्ट करना है तो टर्मैक्स स्टोरेज गेट और इसे लिख देंगे टेस्ट। कैसी टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट करेगा अपनी हमारी स्टोरेज को, टेस्ट लिए देखिए, ये अलाउ हो गया हमारे स्टोरेज में। इस तरीका से आप किसी भी अपने स्टोरेज को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देख रहे हैं आप पूरा लाइव वर्किंग दिखा रहे हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको टर्मैक्स की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिवाइस इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं मतलब, तो आप कैसे लेंगे टर्मैक्स के थ्रू, तो आपको कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन डिवाइस, ये आपको कमांड लिखनी है, डिवाइस और इन्फो, डिवाइस की इन्फो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो आप यहीं एंटर करेंगे। अब देखिए डिवाइस हमारी जो डिवाइस की है इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, दिखा दी। इस तरीके से आप डेटा चेक कर सकते हैं, वैसे क्लियर कर देता हूँ ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब मान ली आप टेलीफोन सेल इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं फ्रेंड। अब मैं इसे करता हूँ टर्मैक्स हाइफन टेलीफोनी और ये करना है सेल इसकी इंफॉर्मेशन लेने सेल की, आप इसके द्वारा कर सकते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे मान लीजिए टर्मैक्स की जो ब्राइटनेस, जो टर्मैक्स की बैटरी है, जो टॉर्च होती है टर्मैक्स मोबाइल की हमारी, सॉरी जो मोबाइल की टॉर्च होती है हमारे मोबाइल की, अब उसे इनेबल और ऑफ कर, ऑन और ऑफ करना सीखेंगे। तो हम कैसे उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको कमांड लिखनी होगी टर्मैक्स हाइफन टॉर्च, इस कमांड से आप टॉर्च ऑफ, पहले ऑफ कर देते हैं कमांड, इससे आप कमांड को ऑफ कर सकते हैं। आप फिर दूसरी कमांड ऑन, टर्मैक्स टॉर्च को ऑन कैसे करें अपने मोबाइल के टर्मैक्स के थ्रू, टर्मैक्स हाइफन टॉर्च ऑन, जैसे ऑन करेंगे अब हमारी टॉर्च ऑन हो जाएगी। देखिए ऑन होगी, मैं अभी वीडियो स्क्रीन कर रहा हूँ ना इसलिए आपको शो नहीं कर रही, जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे आपकी टर्मैक्स की टॉर्च है ऑन हो जाएगी। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अभी जल रही है मेरी टॉर्च, टर्मैक्स हाइफन टॉर्च ऑफ, ठीक है ऑफ हो गई। इस तरीका से आप टर्मैक्स से ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी टॉर्च को। तो फ्रेंड नेक्स्ट आप देखेंगे आप अपने टर्मैक्स को, अपने टर्मैक्स की मदद से आप एक कमांड लिखेंगे इंचेस, टर्मैक्स TTS और इंचेस, इस कमांड जैसी आप लिखेंगे इससे क्या होगा, आप कोई बर्ड को बुलवा सकते हैं, एक जैसी माइक होती है उस तरीके से वो बोलेगा, देखते हैं। तो आप कमांड लिखेंगे, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं लिखता हूँ टर्मैक्स हाइफन TTS हाइफन इंजन्स, जैसे आप इंजन्स लिखेंगे, इंजन्स करेंगे
नो कमांड जी, सॉरी गलत लिखा, इसमें क्लियर कर देता हूँ। फिर से कमांड लिखता हूँ, टर्मैक्स TTS हाइफ़न और स्पीक, मतलब इसके द्वारा बुलवाएंगे ना, देखेंगे जैसी स्पीक स्पीक। अब ये जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे, देखिए अब मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिखता हूँ, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया। अब देखिए कैसे बोलेगा इंडिया, वेलकम टू इंडिया जी, इस तरीके से आप इससे बुला सकते हैं फ्रेंड। और लिखता हूँ मैं हेलो, हेलो, हाँ इससे देखिए ऑडियो इससे बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो कितना अच्छा लगा। और अब हम देखते हैं टर्मैक्स के थ्रू हम वाइब्रेट करते हैं अपने फ़ोन को, कैसे वाइब्रेट और करते हैं ये सीखते हैं फ्रेंड। तो इसे करने के लिए अब हम पहले इसे क्लियर द स्क्रीन कर देते हैं, फिर हम लिखते हैं टर्मैक्स, कमांड लिखनी है टर्मैक्स हाइफ़न वाइब्रेट, वाइब्रेट मोड पे कैसे लगाना है तो हमें इसे करेंगे वाइब्रेट। देखिए हमारा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। अब इस तरीके से इस फ़ोन को आप वाइब्रेट कर सकते हैं फ्रेंड। अब मैं क्लियर करता हूँ, अब टर्मैक्स के वॉल्यूम को काम कैसे करना है, टर्मैक्स हाइफ़न वॉल्यूम छोटे कमांड क्लियर इस तरीके से। तो फ्रेंड आपने देखा कि टर्मैक्स को कैसे आप फाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड अब देख लेंगे टर्मैक्स में हम अपने जो टर्मैक्स के द्वारा आप वाईफाई को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो आप जो हमारी वाईफाई होती है हमारे फोन मोबाइल में, हम जो वाईफाई ऑन करते हैं और ऑफ़ करते हैं, उसके टर्मैक्स के द्वारा कैसे हम ऑफ और ऑन इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, तो देखते हैं आपको करके दिखा दें टर्मैक्स के थ्रू। तो आपको इस कमांड को मतलब इनेबल करने के लिए वाईफाई को कैसे कमांड लिखानी हो, कमांड लिखनी है आपको टर्मैक्स, यस मैं टर्मैक्स लिखा हाइफ़न वाईफाई और इसे लिखना इनेबल, जैसे ही इनेबल लिखेंगे आप फिर लिखना ट्रू, ये कमांड लिखनी है ट्रू। देखिए हमारे इनेबल हो गई वाईफाई, इनेबल हो गई वाईफाई हमने इनेबल कर दी। अब इसे डिसेबल करना है हमें टर्मैक्स हाइफ़न इनेबल कर देंगे जैसे, और ये कर देंगे फाल्स कर देंगे तो ऐसी अब ये डिसेबल हो जाएगी। देखिए फ्रेंड डिसेबल कर दी हमने। तो आपने कैसे सीखा टर्मैक्स के थ्रू अपने वाईफाई को इनेबल और डिसेबल कैसे करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम वाईफाई की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे टर्मैक्स के थ्रू, तो आपको कमांड लिखनी है टर्मैक्स लिखेंगे टर्मैक्स हाइफ़न वाईफाई और स्कैन इन्फो, इस कमांड से अपनी वाईफाई की इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरीके से अभी एरर लोकेशन आ रही, मैं एरर करता हूँ लोकेशन को कर देता हूँ, फिर से लिखता है टर्मैक्स हाइफ़न वाईफाई फन स्कैन इन्फो। तो फ्रेंड आप देखें टर्मैक्स वाईफाई स्कैन इन्फो, सॉरी मैं गलत लिखा इन्फो, तो आप वाईफाई की इंफॉर्मेशन स्कैन करेंगे इसके द्वारा आप कर सकते हैं। स्कैन कर ली मैंने, दिख रहा है, सो दिखा रहा है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ।
फ्रेंड, ठीक है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें फ्रेंड, और घंटी के बेल आइकन में क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा फ्रेंड। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है मतलब प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, आप कमेंट में दें, आंसर दें अपना, कमेंट के बताएं हमें कि मतलब आपको कोई भी कौन सी दिक्कत आ रही है तो हम उसके आपके कमेंट को आंसर देंगे, रिप्लाई ज़रूर भेजेंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो को फिर मिलते हैं फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय।